मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था कि अंग्रेज जाते जाते हमारे ये विशाल देश को 550 से ज्यादा टुकड़ों में बांट कर गए। आजादी तो दे दी मगर देश को 550 से ज्यादा टुकड़ों में बांटकर उन्होंने कहा चलो भाई इकट्ठा करो देखते हैं कैसे हो सकता है। एक बहुत बड़ी चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी कि काम कैसे हो। भाषा अलग, बोली अलग, रियासतों की संस्कृति अलग, स्वभाव अलग, सबको अपनी न रियासतें न छोड़ने का मोह लोभ, इस सब के ऊपर एक निश्चित कालखंड के अंदर विजय प्राप्त करना दुनिया भर के सभी मुत्सद्दी लोगों को असंभव लगता था। मगर जब सरदार साहब को एक काम मिला, उनकी आयु भी कोई कम नहीं थी, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, सबको लगता था इस आयु और इस स्वास्थ्य के साथ सरदार इतने बड़े हिमालयन टास्क को कैसे मिटमिट करेंगे, किस तरह से चुनौती को पार करेंगे। मगर वो सरदार ही थे। मुझे सौभाग्य मिला है सरदार के नजदीक रहे हुए लोगों के साथ घंटों तक बात करनी, चाहे वो एचएम पटेल साहब हो, चाहे सरदार की पुत्री मनी बहन हो। सुबह 3 बजे ये व्यक्ति काम करना शुरू करता था, रात को 10:30-11 बजे तक काम करते करते एक मिशन लेकर आगे बढ़े और देखते देखते 550 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत की ढेर सारी कठिनाइयां आई, एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां आई, कहीं और प्रकार की चुनौती आई। जूनागढ़ के नवाब ने अपना विलीनीकरण पाकिस्तान के साथ करने का तय किया, हैदराबाद के निजाम ने भी स्वतंत्र राष्ट्र या तो पाकिस्तान जाना ऐसी मनसा प्रकट करी। ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत सारी चुनौतियां आई और सब जानते हैं हर चुनौती को दृढ़ता के साथ अपनी कुनेह और कुशाग्र बुद्धि के साथ सरदार ने पार करते हुए आज के दिखाई पड़ने वाले अखंड भारत की रचना करने का काम। और मित्रों, हम सब पूरा देश 130 करोड़ की आबादी आज सरदार साहब की ऋणी है कि देश के नाते दुनिया में जो हमारी पहचान, अगर सरदार न होते तो शायद ये पहचान बनने के समय ही बिखर जाती, टूट जाती, परंतु सरदार ने ये पहचान को बरकरार बनाया, संभव बनाया और बरकरार रखने के लिए बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। हैदराबाद का पुलिस सेक्शन हो, जूनागढ़ के अंदर आरजी हुकूमत की स्थापना हो, ढेर सारे विषयों को अपने तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाए और आज के अखंड भारत की रचना हमारे नजर के सामने आई और उसी सरदार पटेल का आज जन्मदिन। सरदार साहब देश के प्रथम गृह मंत्री भी बने, उन्होंने नए बने हुए देश की एक आजाद भारत के प्रशासनिक नींव रखने का काम किया। ICS को IAS में तब्दील करना ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, उनके नोटिंग्स और उनकी भावना और उनके भाषण पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ICS और IAS के बीच में उन्होंने प्रशासन की आत्मा को भी बदलने का काम सरदार पटेल ने किया। पहले एक प्रशासक के द्वारा गुलाम प्रजा पर अपना लगान वसूलने के लिए वहीवटी तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था और IAS होने के बाद, IPS होने के बाद वही एडमिनिस्ट्रेशन को प्रजा के उत्कर्ष और प्रजा के प्रगति के लिए काम करने के जो परिवर्तन करने की बहुत जरूरत थी वो सरदार पटेल ने किया। और ये प्रशासनिक ढांचे की आत्मा को बदलने का काम मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण काम है। सरदार पटेल के इस योगदान को देश ने जितना न्याय देना चाहिए था उतना नहीं दिया और इसका कारण जो होगा, मगर मैं आज भी मानता हूं देश की युवा पीढ़ी जितना सरदार को जानेगी उतना देश को जानेगी और जितना सरदार को अपनाएगी देश को उतना आगे बढ़ाएगी। सरदार को, सरदार के विचार को जितना हम आत्मसात करेंगे, जितना जानेंगे, जितना पहचानेंगे, जितना अपने जीवन के अंदर उतारेंगे देश के साथ अपनी एकात्मता अपने आप हो जाएगी। क्योंकि सरदार
न केवल आजादी के बहुत बड़े सेनानायक थे, भारतीयता के प्रतीक भी थे। पूरे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए खर्च किया, मगर शुद्ध रूप से अनिशुद्ध रूप से भारतीयता को समर्पित जो कुछ लोग थे, इसमें से सरदार थे। प्रशासन की नींव डालना, सरलता और सादगी के साथ जनप्रतिनिधि कैसे बना जा सकता है, सरलता और सादगी के साथ बड़े बड़े होदे पर रहकर कितनी अच्छी तरह से काम किया जा सकता है, हर काम के अंदर दूरदर्शिता और देशभक्ति को मध्य नजर रखते हुए काम कैसे किया जा सकता है, और हर काम को टालने की बजाय निर्णायकता के साथ किस तरह से किया जा सकता है, वो अगर आज किसी को भी किसी भी प्रशासक, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या सरकारी सेवाओं में काम करते हो, किसी को भी सीखना है तो सरदार के जीवन की बहुत गहराई से अभ्यास करना चाहिए। उसमें से सारे गुण हमें तुरंत मालूम पड़ते हैं और अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथालय सरदार का जीवन हम तुरंत ही बना पाएंगे। इस प्रकार का इसमें से बहुत अच्छे तरीके से सीख हमारे लिए निकलेगी। मित्रों, आज पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन, मीडिया के मित्र बैठे हैं, हर बार पुलिस से ये नहीं हुआ, ये चूक हो गई, वो चूक हो गई, मैं भी देखता हूँ, आप भी दिखाते हैं, दुनिया भी देखती है, मगर मैं आज पुलिस के लिए कुछ कहने के लिए ये कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ, और मुझे मालूम है कि देश भर की जनता को पुलिस को देखने का नजरिया हमने बदलने की जरूरत है। पुलिस विभाग, आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये राज्य जब से अस्तित्व में आया तब से सबसे पुराना विभाग है। शायद जब राज्य अस्तित्व में आया एक ही विभाग था, लॉ एंड ऑर्डर। अभी चाहे 50 विभाग, समाज कल्याण भी है, वाटर सप्लाई भी है, नगर रचना भी है, ढेर सारी चीजें, मगर जब राज्य अस्तित्व में आया मानव सभ्यता के अंदर, तब एक ही विभाग था, कानून और व्यवस्था, जिसके लिए राज्य की रचना हुई और उसके बाद में रेवेन्यू जुड़ा। ये मूल विभाग, क्योंकि किसी भी प्रकार की राज्य के विकास का किसी भी आयाम के अंदर राज्य के विकास की प्राथमिक शर्त है कि कानून और व्यवस्था ठीक। राज्य की अगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो राज्य औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता, उसका अर्बन डेवलपमेंट भी ठीक नहीं हो सकता, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी ठीक नहीं कर सकता। इसकी प्राथमिक शर्त है कि इसकी कानून और व्यवस्था ठीक हो, तभी जाकर राज्य अपने सभी आयामों में प्रगति कर सकता है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा राज्य की, लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग को बाय एंड लार्ज पुलिस के माध्यम से संभालने का काम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार करती है। जब आप आंतरिक सुरक्षा के मैंडेट की बात करते हैं तो हमें कहीं पर एक्सीडेंट पर पुलिस 10 मिनट देर से पहुंची वो दिखाई पड़ता है, किसी ने फोन किया उठा नहीं, कांस्टेबल टिफिन खा रहा था वो दिखाई पड़ता है, पूरी रात जागने के बाद किसी कांस्टेबल ने इधर उधर जवाब दे दिया वो दिखाई पड़ता है, मगर घुसपैठ को रोकने वाला सेना पर, जो सरहद पर जो अर्धसैनिक बल का जवान -44 डिग्री और +44 डिग्री टेम्परेचर में सरहद की सुरक्षा करता है BSF का जवान, वो नहीं दिखाई पड़ता। देश की सीमाओं को स्मगलिंग से सुरक्षित करने वाली अपने अर्धसैनिक बलों की तपस्या हमें नहीं दिखाई पड़ती। नारकोटिक्स को रोकने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सभी कौवत और कुनेह को अजमाइश कर पीढ़ियों की पीढ़ियां बर्बाद होते हुए बचाते हैं, वो पुलिस हमें नहीं दिखाई पड़ती। हवाला ट्रांजेक्शन के माध्यम से देश के अर्थतंत्र की नींव को खोखली करने वाला जो हमारे दुश्मनों का रैकेट चल रहा है, उसका पर्दाफाश होकर कर देश के अर्थतंत्र को सुरक्षित करने वाली पुलिस हमें नहीं दिखाई पड़ती। नकली नोटों के कारोबार को नसीहत करने वाली पुलिस हमें नहीं दिखाई पड़ती। और देश के अंदर देश के दुश्मन जब आतंकवाद का जाल
इसका ताना बाना बुनते हैं, अपने प्राणों की भी परवाह करे बगैर जब उसको तोड़ने का काम पुलिस करती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती। ढेर सारे कार्यक्रम 125 करोड़ के देश के अंदर, इतने राज्य, इतने संघ प्रदेश, कितने कार्यक्रम, इसकी सुरक्षा, बड़े बड़े संस्थानों की सुरक्षा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, राज्यसभा हो, संसद हो, राज्य के विधानमंडल हो, राज्य की हाईकोर्ट हो, इसकी सुरक्षा करने वाला पुलिस हमें नहीं दिखाई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं एक राज्य में भी गृह मंत्री रहा हूं, मैं आज बताना चाहता हूं कि सरकार के सभी विभागों के अंदर घड़ी देखे बगैर कोई विभाग काम करता है तो वो पुलिस का विभाग काम करता है। वो कभी अपनी घड़ी नहीं देख सकते, उनको अधिकार नहीं दिया हमने घड़ी देखने का। जब हम सब अपनी गाड़ी में बैठकर भैया दूज मनाने के लिए अपनी बहन के वहां जाते हैं, जो कांस्टेबल, जो हवालदार ट्रैफिक की व्यवस्था करता है वो हमें नजर नहीं आता है, हमारे दिल में नहीं आता है कि इसकी भी बहन होगी। रक्षाबंधन का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो, वो खड़े पैर वहां खड़ा होकर व्यवस्था को बनाता है, हमें नहीं होता। इसके बच्चे भी अपेक्षा करते होंगे कि मेरे पिताजी मेरे साथ आए और ये दीपावली का त्योहार मनाए। मित्रों, ये काम जो अभी कर रही है पुलिस, उसको छवि को सुधारने की जरूरत है, इसकी इमेज को हमने परिवर्तित करना है। मैं कोई ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि रोड पर सबसे पहले पुलिस दिखाई पड़ती है, तो टारगेट भी सबसे पहले पुलिस होती है। कोई हिंदी पिक्चर के अंदर बढ़ी हुई तोंद दिखाते हैं पुलिस हवालदार की, मगर उसको मालूम नहीं है कि अपने जीवन का सबसे अच्छा समय कभी अपनी पत्नी के साथ बैठकर वो खा ही नहीं पाया। रात को 3 बजे रोड पर पाव भाजी खानी पड़ती है, वो उसको मालूम नहीं है। जब आप आपके घर के अंदर जिम करते हो, पुलिस अफसर को या पुलिस कर्मी को वो लग्जरी प्राप्त नहीं है, वो आपको मालूम नहीं है। और जब हम इसको निशाना बनाते हैं तब अपना, अपने बल का मोराल नीचे गिराने का हम काम करते हैं, ये जनता ने सदैव सोचना चाहिए। अभी अभी सरकार ने पुलिस की छवि को परिवर्तित करने के लिए एक सुनियोजित वैज्ञानिक समयबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया है और इसका एक केंद्र हम बना रहे हैं, पुलिस स्मारक। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने यहाँ पर चाणक्यपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा पुलिस स्मारक बनाया। मेरा देश की जनता से अनुरोध है कि जब भी आप दिल्ली आइए पुलिस स्मारक को देखने जरूर जाइए। आपको मालूम पड़ेगा 34,800 से ज्यादा लोगों ने आजादी के बाद अपनी शाम करवाई। कहीं चीन को रोका है, कहीं पाकिस्तान की घुसपैठ को रोका है, कहीं टेररिस्टों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, इनकी किसी ने कहीं पर भी किसी ने भी सम्मानजनक उनको श्रद्धांजलि देने का काम बहुत कम हुआ है। मगर ये पुलिस स्मारक मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा संवेदना का विषय। ये पुलिस स्मारक देश भर के यात्रियों के लिए पर्यटन का तीर्थ स्थल बनना चाहिए, जो 34,800 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको एक बार आकर श्रद्धांजलि देना इस देश के हर नागरिक की फर्ज है। और इस पुलिस स्मारक के माध्यम से अनेक प्रकार की घटनाओं को हम वहां वीडियोग्राफी के माध्यम से, साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से, अलग अलग लिटरेचर के माध्यम से जनता के ध्यान में लाने वाले हैं और पुलिस के सभी प्रकार के चैलेंजिंग कामों को भी जनता के सामने लाकर हम पुलिस के लिए जो एक छवि बन गई है वो छवि को बनाने का अभियान नरेंद्र मोदी सरकार उठाने वाली है। और मैं आज बड़े मन से दिल्ली पुलिस मुख्यालय का जब उद्घाटन हो रहा है तब कहना चाहता हूँ, मैं कुछ, एलजी साहब ने काफ़ी कुछ बताया, मेरे साथी किशन रेड्डी जी भी मेरे कान में कहते थे 600 कैमरा लगने वाले, ये वो, ये कोई बात मुझे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी, जो पुलिस विभाग का कर्मचारी, पुलिस विभाग का अफसर अहर्निश दिन रात ड्यूटी करता है, इसके प्रति
देखने का हमारा नजरिया हमने बदलना चाहिए, देश की जनता ने। और पुलिस के कर्मचारी और अफसरों ने भी जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझने की और संवेदनशीलता के साथ इसकी अनुभूति करने की शुरुआत करनी है। और ये दोनों जब होगा तब मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए जो बल इतना काम कर रहा है इसको अपनी सही पहचान मिलेगी। दिल्ली पुलिस 70 साल के बाद अपना मुख्यालय प्राप्त कर रही है, एक 18 मंजिला बड़ी इमारत यहाँ बनने जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस इको बिल्डिंग है, बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस को इतना ही कहना चाहता हूँ, भवन के निर्माण से लक्ष्यों की सिद्धि नहीं होती है, भवन के अंदर भावनाओं के निरूपण से ही लक्ष्यों की सिद्धि। भवन तो बनाने वालों ने बना दिया है, मगर इसके अंदर भावनाओं का निरूपण करने का दायित्व दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों का है। जब इसको भावना से आप सजीवन बनाएं, दिल्ली की रक्षा की भावना के साथ, दिल्ली की जनता की सेवाओं की भावना के साथ, दिल्ली के हर संस्थान की सुरक्षा की भावना के साथ आप इसको लैस करेंगे, तब जाकर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस का काम समाप्त होगा। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारत सरकार जो चल रही है 2014 से कंटिन्यूस प्रोसेस है, 2019 में फिर से मोदी जी को देश की जनता ने मैंडेट दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आंतरिक सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है और वो प्रायोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार देश को अच्छी आंतरिक सुरक्षा की गारंटी दी और इस दिशा में काम करने के लिए अनेक विध इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लिए गए हैं, चाहे वो आतंकवाद को समाप्त करना हो, नार्कोटिक्स से पूरे नेटवर्क को तबाह करना हो, जाली नोट लाने वालों को नश्यत करना हो, देश की सरहद की सुरक्षा के अंदर जो छिद्र है उस छिद्र को प्लग करने की बात हो, या रूटीन लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को हम बेहतर बनाने के लिए, सुधारने के लिए और सबसे अच्छा बनाने के लिए कटिबद्ध है। आज दिल्ली पुलिस के मुख्यालय का लोकार्पण हुआ है, ढेर सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं और मैं मानता हूं कि आज के दिन मैं संसद पर हमले में शहीद कीर्ति चक्र मरणोपरांत सम्मानित एएसआई नानक चंद, एएसआई रामपाल, हेड कांस्टेबल घनश्याम, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को याद करे बगैर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा तो अधूरी मानी जाएगी। और बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी मैं आज बहुत संवेदना के साथ याद करके श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और 34,900 से जो ज्यादा बलिदानी देश भर के पुलिस कर्मी है, देश की अलग अलग 44 पुलिस संस्थानों के कर्मचारियों ने, अफसरों ने जो अपनी जान गंवाई है, ये सभी को आज का ये भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम उनकी वीरता को, उनकी शहादत को समर्पित कर फिर से एक बार इस देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार सजग है और उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में देश की आंतरिक सुरक्षा है, ये बात का पुनरुच्चार कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।